हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सत्यम एक्सपेरिमेंट। तो गाइज, आज जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले या फिर कोई भी टेक्निकल वीडियो नहीं है। आज मैं आप लोग को यहाँ पर मेरे पास ये गाइज ट्राइपॉड, ये जो है गाइज डिजिटेक का ट्राइपॉड है, D550LW इसका मॉडल है। आज गाइज मैं आप लोग को इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। और गाइज मेरे पास यहाँ पर इसी ट्राइपॉड का जो है यहाँ पर मोबाइल माउंट है। तो गाइज जल्दी से मैं इसे खोल कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइज मैं इस जो है ये मोबाइल माउंट को मैं खोलता हूँ। मैं आप लोग को सबसे पहले इसे ही दिखा देता हूँ, जो कि गाइज मैंने जो है अमेजोन से परचेज किया है। और गाइज ये जो है मेड इन इंडिया है। तो गाइज देख सकते हैं ये जो है स्लोविक का मेरे पास है। तो गाइज यहाँ पर ये खुल चुका है। अब गाइज देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा है ये दिखने में। तो गाइज ये जो है 360 है। मैं आप लोग को इसका पूरा फंक्शन बताऊंगा। अब जल्दी से मैं इसको भी अनबॉक्स कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है खुल चुका है। और गाइज यहाँ जो पहला लुक जो हमारा आता है वो गाइज ट्राइपॉड जो है बैग में है। और गाइज इसका जो वेट है वो भी लगभग 2 से 2.5 किलो का ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भारी है। और गाइज इसका जो डब्बा है वो मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो ये रैपर है इसे हटा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है ये डब्बा जो है निकल चुका है। गाइज देख सकते हैं ये येलो कलर का। और गाइज आप लोग इसका पूरा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग को चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ही देख सकते हैं यहाँ पे फीचर्स है, ये सब है, 3-way head रेजिस्टेंट, ये सब इसका फीचर्स है। और गाइज यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया का इसका थी है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इस ट्राइपॉड का लुक है ऐसा। और गाइज यहाँ पर भी स्पेसिफिकेशन है, ये सब है। तो गाइज आप लोग ये देख चुके हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ ट्राइपॉड को खोलता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये जो है बैग जो है वो आप लोग जब वीडियो बनाएं तो कैरी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर लटका सकते हैं। और गाइज यहाँ पर हमारा जो ट्राइपॉड है ये निकल चुका है। तो गाइज बैग से बाहर आने के बाद गाइज यहाँ पर यह हमारा रहा ट्राइपॉड। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप। और गाइज ये जो है सिलिका जेल है इसमें। तो गाइज इसका जो वज़न ये बहुत ज़्यादा है, कम से कम 2 या 2.5 किलो ज़रूर होगा। अब जो है गाइज मैं आप लोग को इसे खोलकर दिखा देता हूँ। और गाइज अब मैं आप लोग को ये सारी चीज़ पास से दिखाता हूँ आकर के, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये गाइज इसका लॉक है। और गाइज यहाँ पर जो है एक इंडिकेटर दिया हुआ है, जो कि आपका पता चले कि आपका जो है ट्राइपॉड वो बिल्कुल थी मतलब कि गाइस सीधा है। और गाइस मैं आप लोग को अब इसका जो नट है ये सब के बारे में बात करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ एक नट मिल जाएगा। तो गाइस इसको आप लोग ढीला करके गाइस ये कर सकते हैं कि इसके आप लोग ऐसे उठा सकते हैं। अगर गाइस आप लोग को डाई वीडियो बनाते हैं तब आप लोग को ये वाला काम आएगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं इसे बंद करता हूँ। और गाइस यहाँ पर आप लोग के पास अगर DSLR है तो आप लोग यहाँ पर इसमें DSLR फिट हो जाएगा। और गाइज लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं जो यहाँ पे मोबाइल माउंट मैंने मंगाया था। तो गाइज मैं जो है इसमें ये मोबाइल माउंट को सेट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से सेट होगा। और नीचे गाइज यहाँ पे इसका नट है। और गाइज मैं इसमें स्क्रू को यानी नट को इसमें लगा देता हूँ। तो गाइज ये इसमें लग चुका है। अब गाइज ये जो है हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो गाइज ये जो है अब हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो गाइज ये जो हमारा लग चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है लग चुका है। अब गाइज मैं आप लोग को इसका फीचर सब बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग इसे ढीला करके गाइज ऐसे करके आप लोग इसे कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे। अगर आप लोग कोई डाई वीडियो शूट करते हैं जो कि यहाँ पर आपका कोई चीज़ रखते हैं
और गाइज यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ऐसे करके शूट कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद गाइज मैं आप लोग को दूसरा इसका फंक्शन बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है ये एक स्टिक है, ये घुमाने के लिए दिया हुआ है। तो गाइज ऐसे ऐसे करके आप लोग घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लूज कर देता हूँ उसे, एक नट यहाँ पीछे की ओर है। और गाइज इसका जो नट है गाइज ऐसे करने वाला, तो ये यही है, इसको हल्का सा लूज कर देना। तो गाइज देख सकते हैं कितना स्मूथ ये काम कर रहा है बिल्कुल ऐसे करके। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल ही पूरा स्मूथ काम कर रहा है। तो गाइज ये सब तो आप लोगों ने देख लिया। अब गाइज इसकी हाइट की बात करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में गाइज इसका लिखा हुआ था हाइट 5.57 फीट, लेकिन गाइज मैंने जो इसमें मोबाइल होल्डर भी लगा दिया है, तो लगभग ये गाइज 6 फीट का जरूर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को इसका जो है फुल साइज करके दिखा देता हूँ। और गाइज यहाँ पर आप लोग को मैं इसके लेग के बात करता हूँ। इसका 3 कंपार्टमेंट है गाइज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रांड का यहाँ पर प्रिंटेड है डिजिटेक DTR550LW। और गाइज इसका मैं पहला लेग खोलता हूँ तो गाइज ये इतना निकलता है, और गाइज मैं इसका दूसरा भी खोलता तो इतना निकल जाता है। तो गाइज मैं आप लोग को इसका पूरा अच्छे से हाइट एक बार दिखा देता हूँ। और गाइज यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा इस ट्राइपॉड को पकड़ने के लिए, ऐसे करके आप ट्राइपॉड को कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो है ये ऊपर वाला हेड को ऊपर करने के लिए है। तो गाइज मैं ऐसे घुमाऊँगा तो बिल्कुल स्मूथली ये ऊपर होता है। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से होता है। तो गाइज कुछ इस तरीके से इतना लंबा हो चुका है गाइज। अब फिर मैं इसे नीचे कर देता हूँ। और गाइज एक बार मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छे से इसका जो हाइट वो दिखा देता हूँ। तो गाइज इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और गाइज बिल्कुल ब्लैक कलर का है। तो गाइज यहाँ पर लुक जो है बहुत ही अच्छा इसका आ रहा है। अब गाइज मैं आप लोग को इसका हाइट दिखा देता हूँ। तो गाइज सबसे पहला तो कंपार्टमेंट यहाँ पर इस तरह से खुलता है। तो गाइज ये जो है पहला लेवल का इसका हाइट है। तो गाइज कुछ इस तरह इतना लंबा हो गया गाइज मेरा इतना आ रहा। और गाइज मेरा जो हाइट है वो है 5 फीट 3 इंच। तो गाइज कुछ इतना लेवल आ रहा है गाइज। इसमें जो है मैंने मोबाइल होल्डर भी सेट किया है। अब गाइज मैं दूसरा भी पार्ट खोल देता हूँ। तो गाइज अभी जो इसका हाइट है वो लगभग 4.5 फीट के आसपास होगा गाइज। तो ये इतना हाइट हो गया है अभी, और गाइज मेरे बराबर ही है। अब गाइज इसका जो ये हेड है ऊपर वाला, अब मैं इसे अप करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है ये चाबी है, इसको घुमाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, अगर वीडियो में आप लोग को गाइज इसमें जो कुछ आप लोग सिनेमेटिक शॉट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा ट्राइपॉड है, और गाइज कितना स्मूथली ये जो है गाइज ऊपर जा रहा है। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग। तो गाइज कुछ इतना लंबा हो गया गाइज। मैं आप लोग के दूर से दिखा देता हूँ कि मेरे बराबर में ये कितना है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है गाइज नीचे से गाइज यहाँ से इतना, और गाइज इतना दूर चल गया। और गाइज मेरा हाइट जो है 5 फीट 3 इंच है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग गाइज 6 फीट के आसपास या फिर उससे भी गाइज ज़्यादा चल गया होगा। तो गाइज यही इतना हाइट है। अब गाइज मैं आप लोग को इससे कुछ शॉर्ट्स लेकर दिखाता हूँ, और गाइज बाकी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है, मैं आप लोग को इसमें लगा कर दिखा देता हूँ, और कुछ शॉर्ट्स इससे आप लोग को मैं लगा कर दिखा देता हूँ। तो गाइज इसे जो है मैंने लॉक कर दिया। अब गाइज देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, और गाइज ये जो है बिल्कुल अच्छे से गाइज ये वर्क कर रहा है। तो गाइज अब आप लोग देख रहे हैं इस मोबाइल में, तो गाइज मैं इसे जो है अप कर रहा हूँ, और गाइज देख सकते हैं ये जो कितनी स्मूथली से ऊपर जा रहा है। और गाइज अगर मैं ऐसे से करूँ तो ये भी गाइज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है।
अगर गाइज आप लोग कहीं पे शूट करते हैं तो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज यही, तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो किससे करता हूँ। तो गाइज अभी जो है मैं इस ट्राइपॉड से गाइज वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और गाइज अभी भी इसी से रिकॉर्डिंग चल रही है इस मोबाइल फ़ोन में। और गाइज मैं जो मोबाइल यूज़ करता हूँ वो है मेरा सैमसंग गैलेक्सी J6। इसमें गाइज क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, 1080p में वीडियो रिकॉर्ड होता है और 30fps पे जो गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड होता है। और गाइज मेरे पास यहाँ पर है ये बोया का B1 माइक्रोफोन, जो कि गाइज मैं यूज़ करता हूँ, अभी भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज इसका जो वायर जो गाइज आप लोग को कम से कम 10 से 15 फीट का मिल जाता है, जिससे कि आप लोग जितना भी कैमरा से दूर रहिएगा तो आप लोग उससे वीडियो बना सकते हैं। इससे पहले गाइज जो है मैं इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करता था, ये गाइज ज़्यादा बड़ा माइक्रोफोन है, ये बिल्कुल छोटा सा है, और गाइज ये 200-300 मिल जाएगा। लेकिन गाइज आप लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो गाइज ये वाला माइक्रोफोन कभी नहीं लीजिएगा, उससे आप लोग इसका दुगने दाम में गाइज ये ले सकते हैं आप लोग, ये बेटर है इससे। तो गाइज मैं आप लोग को यही माइक्रोफोन है, और गाइज इसका जो माइक्रोफोन है ये देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइज, ये लगभग 5 फीट का होगा गाइज, ये बिल्कुल बेकार है, पैसा जो है वेस्ट है ये। और गाइज आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि मुझे, मैं खेत उत में वीडियो बनाता हूँ जो कि गाइज आउटडोर वीडियो हो जाता है, जिसमें कि गाइज रॉकेट या फिर बॉम्ब का मैं यूज़ करता हूँ। तो गाइज वहाँ पर जो मैं इससे वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि ये सेल्फी स्टिक है, क्योंकि इससे जो वीडियो की स्टेबिलिटी है वो थोड़ा बेटर हो जाता है गाइज, ज़्यादा हिलता नहीं है गाइज। ट्राइपॉड जो है वो बिल्कुल एक जगह सेट करके रखने वाला है, लेकिन गाइज इससे जो हम लोग इधर उधर जाकर सेट कर सकते हैं। ऐसे तो गाइज इसमें के लिए गाइज मोबाइल गिम्बल भी आता है, लेकिन गाइज वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर गाइज आप लोग का सपोर्ट रहा तो फ्यूचर में गाइज हमारे पास वो भी आएगा, और गाइज उसी से वीडियो मैं आप लोग को शूट करूँगा। तो गाइज मैं आप लोग को इस वीडियो में यही दिखा रहा था कि गाइज अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर है तो गाइज स्टार्टिंग में गाइज आप लोग ये सब वीडियो, ये सब जो गाइज सामान है वो नहीं खरीदें, और गाइज ये माइक भी नहीं खरीदें। अगर गाइज आप लोग का यूट्यूब से अगर 1 से 2 पेमेंट अगर आ जाता है तब गाइज आप लोग इसे जो है बाय कर सकते हैं। और गाइज स्टार्टिंग में मैं जो है गाइज ये ट्राइपॉड खरीदा था, और अभी भी गाइज जो है शूट उसी ट्राइपॉड से हो रहा है। और गाइज स्टार्टिंग में जो है गाइज मैंने जो है ये माइक्रोफोन खरीदा था, लेकिन गाइज अगर आप लोग ये माइक्रोफोन नहीं करें, डायरेक्ट जो है गाइज मोबाइल से ही आप लोग शूट कर सकते हैं। और गाइज आप लोग अगर रूम में वीडियो शूट करते हैं तो गाइज आप लोग अमेजोन पे मिलता है 1 से 2 हज़ार में गाइज ये रिंग लाइट मिलते हैं, लेकिन गाइज मैं जो है शूट करता हूँ LED मरकरी जो गाइज आती है वो 200 रुपये का आता है, इतना लंबा LED मरकरी, तो गाइज वही अभी जला हुआ है, और गाइज इसी में से मैं शूट करता हूँ। तो गाइज ये वीडियो में यहीं तक, अगर गाइज आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया तो गाइज वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो में गाइज। ये सब हमारे तो बस मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाना चाहता था कि गाइज एक यूट्यूबर्स के लिए जो है गाइज कौन कौन सामान की ज़रूरत होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।